मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचा 23 अगस्त 2023 को, उसके बाद वहां से जब उतरा और उतरने के बाद जब चंद्रमा पर रोवर लैंड किया, तो उसमें रोवर का नाम हमने बताया था प्रज्ञान अपनी पहली वीडियो में, और प्रज्ञान ने वहां पर घूम घूम कर क्या उपलब्धि प्राप्त की। तो चंद्रमा पर मौजूद ऑक्सीजन के अलावा प्रज्ञान ने खोज की है कि वहां पर 9 तत्व मौजूद है। कितने तत्व मौजूद है? 9 तत्व वहां पर मौजूद है, और ये जो 9 तत्व मौजूद है ये बताए गए हैं, ये एक वहां पर प्रज्ञान में एक मशीन लगी हुई है, उस मशीन का नाम है लिप्स, उस मशीन का नाम है लिप्स, जिसे जिसका पूरा नाम है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा पता लगाया गया कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन के अलावा 9 तत्व मौजूद हैं। उसके अलावा ये जो मशीन है वो बेंगलुरु में बनी हुई है, और बेंगलुरु में एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम ने बनाई है, इस मशीन को इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम ने बनाई है, जिसे हम लियोज कहते हैं। ठीक है, तो ये अब हमें इतना पता चल गया कि हमारा जो चंद्रयान चंद्रमा पर वो प्रज्ञान रोवर पहुंचा, उसने 9 तत्वों की खोज की, और 9 तत्वों में कौन कौन से तत्व वहां पर मिले हैं, तो इसमें सबसे नंबर 1 पे है सल्फर। सल्फर तत्व मिला हुआ है, इसको इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं और हिंदी में इसे तत्व कहते हैं। तो सल्फर जो मिला हुआ है, इस सल्फर का रासायनिक सूत्र है S, और सल्फर अगर वहां पर सल्फर मिला हुआ है तो सल्फर किस किस चीज में काम आता है, तो सल्फर खेत में जो खेतों में जो फर्टिलाइजर होती है, फर्टिलाइजर जो लगाई जाती है, तो वो फर्टिलाइजर बनाने में सल्फर का प्रयोग किया जाता है, और कार की जो बैटरी होती है वो भी सल्फर के द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा नंबर 2 पर हमें प्राप्त हुआ है एल्युमिनियम। क्या प्राप्त हुआ है? एल्युमिनियम, इसका रासायनिक सूत्र है Al। Al, इससे हम फॉयल बनाते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन बनाते हैं। नंबर 3 तत्व प्राप्त हुआ है कैल्शियम। कैल्शियम का रासायनिक सूत्र है Ca, और कैल्शियम शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं ये कैल्शियम से बनी होती हैं। अगर बाई चांस शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें मेडिसिन खाने के लिए कहता है जिससे हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत रह सकें। तो वहां पर कैल्शियम जी भी चंद्रमा पर प्राप्त हुआ है। उसके अलावा एक तत्व चौथा प्राप्त हुआ है आयरन। एक तो आयरन लोहा है, किसी चीज को बनाने में काम आ सकता है, हमारी सरिया बना घर मकान बनाते हैं तो उसके लिए सरिया है, दरवाजे हैं उनके लिए मशीनें भी आयरन की ही बनाई जाती हैं। उसके अलावा हमारे शरीर के जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं वो सब आयरन से उबके बने होते हैं। मनुष्य जब ज्यादा वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तब के डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर आयरन की गोलियां खाने के लिए कहता है, तो दवाई भी आयरन का प्रयोग होता है, तो आयरन की गोलियां खाने को डॉक्टर बताते हैं हमें। उसके अलावा क्या होता है कि जितने भी हमारे आयरन सबसे ज्यादा पालक में, हरी सब्जी में, चुकंदर में और सेब में प्राप्त होता है। अब उसके बाद 5वां जो तत्व मिला है हमें, प्रज्ञान ने खोज की है 5वें तत्व की, उसे कहते हैं क्रोमियम। क्रोमियम भी एक धातु है, और क्रोमियम का क्या होता है कि जब आयरन होता है तो आयरन के ऊपर अगर हम क्रोमियम की प्लेट चढ़ा देते हैं तो उससे वो चमकदार हो जाती है, और चमकदार होने के बाद उस पर किसी तरह की खरोंच नहीं आती और जंग भी नहीं लगती है। तो क्रोमियम भी स्टेनलेस स्टील को बनाने का काम करती है, कि आयरन और क्रोमियम दोनों चीजें मिलाते हैं तो एक तरह से स्टेनलेस स्टील बन जाती है, जिसके बर्तन बनाए जाते हैं। उसके अलावा हमें प्राप्त हुआ है वहां पर टाइटेनियम। और टाइटेनियम जो प्राप्त हुआ है, टाइटेनियम भी जितने भी गहने बनते हैं, कुछ आर्टिफिशियल गहने बनते हैं, ज्वेलरी और सर्जिकल टूल्स जो बनते हैं, जो डॉक्टरों के काम में आते हैं, तो वो सब जो है वो टाइटेनियम के ही बनाए जाते हैं, वो भी आयरन और टाइटेनियम मिलकर बनाए जाते हैं। उसके अलावा जितने भी ये वायुयान हैं और ये सब हैं, ये भी क्योंकि टाइटेनियम आयरन जो है वो टाइटेनियम के साथ जब मिलता है तो बहुत हार्ड हो जाता है, इसलिए टाइटेनियम के हम एरोप्लेन में भी टाइटेनियम और आयरन का प्रयोग होता है, उनकी शीट बनाई जाती है मिला के, जिससे कि वो मजबूत भी रहे और काम भी कर सकें। मैंगनीज, अब मैंगनीज इसमें आयरन, क्रोमियम,
टाइटेनियम और मैग्नीज, जब इन सभी धातुओं को मिला दिया जाता है तो एलोय बन जाता है, एलोय हो जाता है। और वैसे मैग्नीज का काम जो है, आयरन के साथ मैग्नीज मिलता है तब भी स्टेनलेस स्टील बन जाती है, और स्टेनलेस स्टील से कुछ भी बनाया जा सकता है। आठवां अमर तत्व जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है सिलिकॉन का रासायनिक सूत्र है SI। और क्या है ये, कंप्यूटर की जितनी भी चिपें बनती हैं वो सिलिकॉन की बनी हुई होती हैं। तो जहाँ पर भी कंप्यूटर के या IT सेंटर जहाँ पर भी ज़्यादा होते हैं उसे हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। जैसे बेंगलोर में IT की बहुत कंपनियां हैं तो वहां पर सिलिकॉन, उसे वहां पर एक जहां पर इसका IT का हब है उसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। उसके अलावा एक नवा तत्व प्राप्त हुआ है ऑक्सीजन तो मनुष्य के लिए प्राणवायु है, बिना ऑक्सीजन के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, तो ऑक्सीजन का प्रयोग हम सांस लेने में करते हैं। अब हमारे ये जो 9 तत्व प्राप्त हुए हैं ये जीवन के लिए अति आवश्यक है। ज्ञान ने हमारे चंद्रमा पर 9 तत्वों की खोज की है, और लेकिन अभी 9 तत्व जो खोजे गए हैं उसमें अभी हमें एक तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है, वो है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन मिल जाता है वहां पर तो क्या होगा कि चंद्रमा पर जो अभी हम पृथ्वी से चंद्रमा तक जा गए हैं, और जब आगे अगर चंद्रमा पे हाइड्रोजन मिल जाएगा तो उसके लिए एज ए फ्यूल हम दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए उसका हाइड्रोजन का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अब उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर उसका सूत्र है, और जल पानी का सूत्र है 2H2+O2=2H2O। 2H2+O2=2H2O+एनर्जी, अर्थात 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब मिलता है तो पानी बन जाता है। इसके अलावा बेंगलोर में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 फरवरी 2023 को एक ट्रक का उद्घाटन किया है। उस ट्रक में एक इंजन लगा हुआ है, वो हाइड्रोजन इंटरनल कम्बस्टन इंजन है, जिसमें हाइड्रोजन एज ए फ्यूल के रूप में प्रयोग की जा रही है। और टोयोटा कंपनी ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार ऑटो एक्सपो 2023 में लॉन्च की है। अगर ये दोनों चीज़ें सक्सेस हो जाती हैं, और जिसमें हाइड्रोजन एज ए फ्यूल के रूप में वो ट्रक और ये कार दोनों सही से सक्सेस हो जाती हैं, तो आने वाले समय में हमें तेल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और हमारी विदेशी मुद्रा भी बचेगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।